नमस्कार मेरे शेरनियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट पर। हम पढ़ रहे हैं एनक्लिक्स बुक 9th एडिशन, लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। हम हमारी यूनिट चल रही है मेटर्निटी नर्सिंग, और चैप्टर नंबर है 21 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके सेकंड टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ मोटिवेशन लाइंस। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, जिंदगी में कभी ऐसे उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर भरोसा क्यों करते हो, हाथों की लकीरों पर भरोसा क्यों करते हो। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल मेटर्निटी नर्सिंग यूनिट नंबर 4, 5th, उसका चैप्टर नंबर 21 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा एन क्लास को, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें दो टॉपिक पढ़ने वाले हम, एक ओवेरियन हार्मोन्स और सेकंड पढ़ेंगे ओवेरियन और यूटेराइन फेजेस। ओवेरियन हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स, जो ओवेरियन हार्मोन होते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं, और कौन कौन से चेंजेस लाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो हम तो सबसे पहले पढ़ते हैं ओवेरियन हॉर्मोन्स। ओवेरियन हॉर्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा ओवेरियन हॉर्मोन रिलीज होते हैं। ये दो हॉर्मोन होते हैं, एक FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन LH हॉर्मोन। ये दो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज होते हैं, इनको हम ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि ये ओवेरियन ओरिज के ऊपर एक्ट करते हैं, इन हार्मोन्स की वजह से ओरिज के अंदर चेंजेस आते हैं, इसलिए हम इस इन हार्मोन्स को हम ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं। द हार्मोन प्रोड्यूस चेंजेस इन द ओवरीज एंड इन द एंडोमेट्रियम। ये चीज जो मैंने आपको बताई है ना कि ये हॉर्मोन्स ओवरीज के अंदर को चेंजेस को प्रोड्यूस करते हैं और एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर चेंजेस को प्रोड्यूस करते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल द रेगुलरली रिकरिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम डेट कल्म्यूनेट इन इट्स शेडिंग मे वेरी इन लेंथ, विथ द एवरेज लेंथ बींग अबाउट 28 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ होती है भाई साहब, एवरेज लेंथ होती है 28 डेज। इसमें एंडोमेट्रियम के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है ना, कि एंडोमेट्रियम सेड सेड होती है यानी जड़ जाती है, वापस जड़ने के बाद वापस न्यू साइकिल चालू होती है, तो इसकी लेंथ वेरी कर सकती है। जैसे कि इसकी रेंज देखें हम तो 3 से 5 वीक होती है यानी 3 to 5 वीक होती है यानी 21 days to 35 days, और इसके अंदर हमने एवरेज लिया 28 डेज। और सेकंड इसका सेकंड टॉपिक है ओवेरियन और यूटेराइन फेजेस। कौन कौन सी फेज है जो ओवेरियन फेज होती है, और कौन कौन से फेजेज है जो यूटेराइन फेजेज होती है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ओवरिंग चेंजेस। ओवरिंग चेंजेस में दो फेज आती है वैसा, प्री ओवरेटरी फेज और ल्यूटरल फेज। ठीक है, प्री ओवरेटरी फेज। प्री ओवरेटरी फेज में क्या होता है वो देखते हैं। हाइपोथैलेमस रिलीज्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं GnRH हार्मोन, थ्रू द पोर्टल सिस्टम टू द एंटीरियर पिट्यूटरी सिस्टम। हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन को रिलीज करता है
किसके थ्रू? पोर्टल सिस्टम, जो इंटीरियर पिट्यूटरी के जो पोर्टल सिस्टम होता है ना, उसके थ्रू हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है कि द सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लोब होती है ना, वो क्या करती है कि FSH हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ये क्या करता है, FSH हार्मोन फॉलिकल्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और उनमें से जो मोस्ट ऑफ जो फॉलिकल्स होते हैं ना, वो डाई हो जाते हैं, और उनमें से एक फॉलिकल मेच्योर होकर लार्ज ग्राफीन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, जो आगे जाके ओवम को रिलीज करता है, ओवम को रिलीज करता है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस बाई द फॉलिकल स्टिमुलेट्स इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो फॉलिकल्स रिलीज हुए थे ना, वो क्या करता है कि फॉलिकल्स एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है कि अलग हार्मोन होता है ना, उसके सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से भी सीक्रेट होता है। फिर क्या होता है कि आगे चल के फॉलिकल्स रप्चर हो जाते हैं और ओम का रिलीज होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। ये थी हमारी प्री ओव्यूलेटरी फेज में। इस फेज में हमने देखा कि हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करता है, यह हार्मोन आगे जाके FSH और LH हार्मोन को रिलीज करते हैं, और ओम का फॉर्मेशन होता है, फॉलिकल्स रप्चर होकर ओम का फॉर्मेशन करता है। ये इस प्री ओव्यूलेटरी फेज में होता है मोटा मोटा तौर पर। ल्यूटियल फेज, सेकेंड फेज हम पढ़ने वाले हैं ओवेरियन चेंजेस के अंदर। ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में क्या होता है भैया कि यह ओवुलेशन के साथ चालू होती है, यानी बिगिन विथ ओवुलेशन। ल्यूटियल फेज ये ओवुलेशन के साथ चालू होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर गिरता है, यानी डिग्री होता है, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है कि 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, यानी ओवुलेशन के आसपास बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। यानी ओवुलेशन से पहले तो बॉडी टेम्परेचर गिरता है, और ओवुलेशन के आसपास क्या जब समय आता है ना ओवुलेशन के आसपास का, उस टाइम बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम फॉलिकल सेल्स डेट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओवुलेशन। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जब फॉलिकल सेल रप्चर होती है और ओवम का रिलीज करती है। जब बचा हुआ जो फॉलिकल्स होता है ना, उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये ओवुलेशन के टाइम ओवरी के अंदर ही रहता है। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग द रिमेनिंग 12 to 14 days ऑफ साइकिल। एक कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, जो साइकिल के जो बचे हुए 12 से 14 दिन होते हैं ना, उसके तो उस टाइम कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन को रिलीज करता है, सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, अनफर्टिलाइज रह गया ओम, तब कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, एंड द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन। उसके बाद जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हुआ ना, उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन में डिक्लाइन आ जाता है, यानी डिक्लाइन गिर जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। धीरे धीरे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरने लग जाता है। द डिक्लाइन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सीक्रेट मोर FSH एंड LH, इनिशिएटिंग न्यू रिप्रोडक्टिव साइकिल। जो डिक्लाइन आया ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में, ये क्या करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, और ये क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH के सिक्रेशन को और बढ़ा देती है, और ये क्या होती है कि भी न्यू रिप्रोडक्टिव साइकिल है ना, जो नेक्स्ट मेंसेस चालू होती है ना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं।
यह था हमारा ओवेरियन चेंजेस। अब हम पढ़ने वाले हैं यूटराइन चेंजेस। यूटराइन चेंजेस में तीन फेज होती है। पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड फेज प्रोलिफरेटिव फेज और थर्ड फेज होती है सिग्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज बढ़ने वाले हैं कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 days ऑफ ब्लीडिंग एज द एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन बिकॉज ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मेंस्ट्रुअल फेज होती है भाई साहब सबसे 4 से 6 दिन की होती है। ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं इसको हम। ये ब्लीड इस फेज में ब्लीडिंग क्यों होती है क्योंकि जो एंडोमेट्रियम होती है ना, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसका ब्रेकडाउन होता है। और एंडोमेट्रियम में ब्रेकडाउन क्यों होता है क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजिस्टेरोन का लेवल गिर जाता है, इस कारण एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है और हमको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। द लेवल ऑफ एफएसएच इंक्रीजेज इनेबलिंग द बिगनिंग ऑफ न्यू साइकिल। जैसे ही एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो न्यू नई साइकिल वापस शुरू हो जाएगी। ये था हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। अब हम पढ़ने वाले प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज बढ़ने वाले हम द लास्ट अबाउट 9 days। यानी प्रोलिफेरेटिव 9 days की होती है। इसके अंदर होता है एस्ट्रोजन। इस फेज के अंदर एस्ट्रोजन स्टिमुलेट प्रोलिफ्रेशन एंड ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम। एस्ट्रोजन क्या करता है भैया, जो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है उसको प्रोलिफेरेट करता है। एज एस्ट्रोजन इंक्रीजेस इट सप्रेसेस सिक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीजिंग सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा ना, जैसे जैसे ये क्या करेगा कि एफएसएच की जो सिक्रेशन हो रहा है ना एफएसएच को, उसको सप्रेस कर देगा और एलएच सिक्रेशन को बढ़ा दे देगा। एस्ट्रोजन बोल रहा है एफएसएच को कि भाई तेरा काम तो हो लिया, तू यहीं रुक, तेरा काम हो लिया तू यहीं रुक, अब एलएच को भेज। ये ऐसे बोल रहा है। एस्ट्रोजन एफएसएच को बोला कि भाई तेरा काम तो हो लिया है, तू यहीं रुक जा और एलएच को भेज। ये बात इसी लाइन में लिख रखी है कि एज एस्ट्रोजन इंक्रीजेज इट सप्रेसेज सिक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीजेज सिक्रेशन ऑफ एलएच। अगली लाइन है हमारी सिक्रेशन ऑफ एलएच स्टिमुलेट्स ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे एलएच का सिक्रेशन हुआ ना, ये ओवुलेशन को स्टिमुलेट करेगा, ओवुलेशन होगा फिर उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होगा। द ओवुलेशन अकर बिटवीन डेज 12 to 16। यानी ओवुलेशन 12 से 16 दिन के बीच में होता है। एस्ट्रोजन लेवल इज हाई एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल इज लोअर। यानी इस फेज के दौरान, यानी जो ओवुलेशन हो रहा है ना उस टाइम एस्ट्रोजन का लेवल अपने पीक लेवल पर होता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अपने लो लेवल पर होता है। ये थी हमारी प्रोलिफेरेटिव फेज। अब हम बढ़ने वाले हैं सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज में ये होती है भैया, सीक्रेटरी फेज होती है हमारी, यानी सीक्रेटरी फेज लास्ट अबाउट 12 days एंड फॉलो ओवुलेशन। ये लास्ट के जो 12 दिन होते हैं ना, जो ओवुलेशन के जो बाद के जो 12 दिन होते हैं ना, उस फेज को हम सीक्रेटरी फेज बोलते हैं। दिस फेज इज इनिशिएटेड इन रेस्पॉन्स टू द इंक्रीज इन एलएच लेवल। पैसा ये फेज कब स्टार्ट होती है कि जब एलएच का लेवल बढ़ता है उसके रेस्पॉन्स में ये फेज इनिशिएटेड होती है। द ग्राफीन फोलिकल इज रिप्लेस्ड बाई द कॉर्पस ल्यूटियम। जो जो मेच्योर फोलिकल्स था उसको ग्राफीन फोलिकल कहते हैं। जब वो रप्चर हो जाता है तब कॉर्पस ल्यूटियम जब रप्चर होता है ग्राफीन फोलिकल तब ओवम निकल जाता है। जो बचा हुआ जो फोलिकल्स होता है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये बात हमने पढ़ी थी भाई साहब इसमें ल्यूटियल फेज में पढ़ी थी कि कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन का सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। द प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। अगर फर्टिलाइज ओवम आ गया तो इम्प्लांट हो जाएगा, नहीं आया तो सेट ऑफ हो गया, नई साइकिल को बिगिन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।